यार पराग ने कमाल कर दिया यार, मतलब औसम डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। यकीनन यार 44-45 गेंदों में 6 छक्के की मदद से रियान पराग ने 84 रन किए। और मैच जब मैं देख रहा था तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मिचेल मार्च और डेविड वार्नर, जिनकी इतनी बेवजह की हाइप है, इन्हें रन्स बनाने पड़ेंगे तेज, अदरवाइज गेम सेट एंड मैच हो गया फॉर द लाइक्स ऑफ बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, चहल, अश्विन, आवेश खान, मतलब और संदीप शर्मा, क्या खजाने लेके खेल रही है भाई राजस्थान रॉयल्स यार, मजा आ गया। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइज जो बनाई हुई है ना रिकी पोंटिंग ने, ये मुझे बड़ा डरा रही है किस बात पे, अपने ही लड़के दोनों। ऋषभ पंत तो नाम वैसे ऋषभ पंत का आईपीएल में आया था तो शुरू शुरू में बहुत एक्सेप्शन खेलता था, लेकिन फिर टेस्ट क्रिकेट की वजह से नाम मशहूर है। अभी टाइम लगेगा, शायद अभी इंजरी से वापस आया, आई डोंट वांट टू बी वेरी क्रिटिकल ऑन हिम, लेकिन 26-28 नहीं है जस्टिफाइड भाई, ये कॉम्पिटिटिव लीग हो रही है तो 26-28 फिर आप नहीं, ये बहुत क्रिमिनल है ये वाला काम, 10-9, 13-15, तो दिस इज वेयर दिल्ली कैपिटल्स ने लॉस द मैच। ऐसा नहीं है कि सारे आउट हो गए हैं, 5 विकेटें गिरी हैं, 5 विकेटें गिरे तो कुछ भी नहीं होता T20 में, बैटिंग तो 8वें 8वें 9वें 9वें नंबर तक जाती है, लेकिन खैर इन्होंने बड़ा अजीब सा कुछ चेज प्लान किया और हार गए। अवैश खान मोहसिन भाई बहुत ही लाजवाब बॉलिंग किया उसने। Hats off to Sanju Samson. He has Bolt, Berger, Ashwin, Chahal and Avash. And he goes with Avash. कमाल हो गया, 9 रन उसने दिए, बात सही है। और देखे संदीप की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 36 रन उसने जरूर दिया 4 ओवरों में, लेकिन पहली दो बॉलों पे दस, अगली 4 बॉलों में 5। अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और पुरैल, ये 3 मेन कल्प्रिट्स और सबसे बड़ा कल्प्रिट। देखिए आप कहें इंजरी से वापस आया है, ठीक है इंजरी से वापस आया, बट इट इज कॉम्पिटेटिव क्रिकेट, यहाँ इमोशन, भावनाएं और सिंपथीज नहीं ना, यू आर एंड यू कमांड रिस्पेक्ट। ऋषभ पंत का T20 में अभी फिर कुछ लोग उठेंगे, जैसे आज वो ये उसके जो 84-85 है ना, ये है डिफरेंस दोनों टीमों में, एक डिफरेंस है वो है रियान पराग। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। रियान आ जाता है, रियान आती है चक्के चौके बाउंड्री लगती है भाई, शाइकिन जो है नारे लगाते हैं, बॉलर्स को हैरान होते हैं क्या को आखिरी ओवर में आके धोया है ना भाई 25 रन, यकीन करे कमाल की इनिंग हो गई थी, वहां से पता चला और बड़ी स्क्रीन पे लिख दिया गया था अ न्यू स्टार। एक वक्त आएगा जब इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई नहीं हरा पाएगा, इंडिया बाकी भी स्ट्रॉन्ग होगी है। बाबर आजम ने अपने थ्रू आउट द कैरियर इतने सिक्स नहीं लगाए जिसने एक इनिंग में इतने सिक्स लगा दिया, काश पाकिस्तान भी ऐसे खिलाड़ी होते और पाकिस्तान भी इस तरह टैलेंट को प्रमोट किया जाता। देखिए इंडिया सिर्फ इंडियन प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इंडिया से बाहर है जो फॉरेन क्रिकेटर आए हैं ना वो इंडिया में क्रिकेट सीखने आए हुए हैं, और वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट बन गया आईपीएल, वर्ल्ड कप मैक्सिमम 1 माह के लिए चलता है और जो आईपीएल है ये 2-2.5 माह चलता है। 5 आउट हो चुके थे जब ये आया है और एक 186 के टोटल में 84 इसका है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। इंडिया के पास पहले एक ही विराट कोहली था, इंडिया के पास अब 10 विराट कोहली आ गए हैं, चाहे हमारे दरमियान उन्होंने लकीर खींच दी है लेकिन दिल आज भी हिंदुस्तानी है। पहली बॉल पे चौका, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर सिंगल, मुझे तो लगा पहली बॉल पे छक्का ना मिल जाए, लग जाए यार इतने तो टैलेंट तो है, और टैलेंट अगर आपने हंट करना है तो उस बच्चे को आईपीएल में डाल दो, आईपीएल से टैलेंट निकल जाएगा। तब से इस बात को एग्री करने लग गया हूं जब से इन्होंने जसवाल को मौका दिया और उसने परफॉर्म किया, ये सारा क्रेडिट आईपीएल को। मैं सिद्धू भाजी की कमेंट्री सुन रहा था, वो भी बात कर रहे थे कि भाई 2 साल के अंदर ये बंदा इंडिया की टीम में आ जाएगा, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया मैं हैरान रह गया, शिस्तर रह गया कि एक खिलाड़ी जो छक्के पे छक्के मारा है, चौके पे चौके मारा है। रियान पराग मतलब अगले ने छक्के मार मार के ना दिल्ली का घंटा बजा दिया पकड़ के, मतलब इतना मारा है, इतना मारा है उसने, इतना मारा है, ये वही रियान पराग है जिसपे हम लोग मीम्स बनाते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, मतलब चल नहीं था रहा लेकिन आज उसने क्या बैटिंग किया। इस साल रियान पराग आपको एक अलग रियान पराग नजर आया, इस साल उसकी मुंह से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं नजर आया मुझे कि पहले वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देता था, इस साल भाई कुछ नहीं आया, मैं बोलूंगा 0 से हीरो बजा के रख दिया उसने। 7 ओवरों में राजस्थान के 40 पे 2 आउट थे, 7 ओवरों में 40 पे 2 आउट थे और लग रहा था कि ये 120-30 तक मसा जाएंगे, क्योंकि कुछ कोई ऐसी इंटेंट नहीं थी नजर आ रही, लेकिन रियान पराग ने जो एनरिक नोकिया को 1 ओवर में 25 रन मारे हैं, छक्का चौका वन छक्का चौका छक्का बजा के रख दिया उसने, मतलब जो आ रहा था उसको वो मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली कैपिटल इस मैच को ले जाए, लेकिन अवेश ने ऐसा ओवर डाला कि पूरा मैच ही जो बदल के रख दिया, बड़ी कमाल किस्म की सुपर बॉलिंग किया, क्या कहेंगे। देखिए स्टाप और अक्षर पटेल, एक टाइम पे लग रहा था कि गेम को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंट किया है अक्षर पटेल ने कल, जैसे हार्दिक पांड्या के ऊपर जो रोल था कि भाई तू फिनिश कर, हार्दिक पांड्या ने गंद मचाया और आज जो गंद मचाया वो अक्षर पटेल ने किया। ठीक है अवेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अक्षर किया हमने इंडियन टीम में बहुत बार बल्लेबाजी देखी है कि उन्होंने कमाल दिखाया, उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की क्रिकेट दिखाई है, लेकिन आज जो अक्षर पटेल थे वो कुछ भी नहीं कर सके,
खड़े रहे जो जैंट बॉलिंग थी राजस्थान रॉयल्स की, बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग थी, उसके सामने बिल्कुल 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 क्लूलेस नजर आए। और एट द एंड जो मैच था आखिरी ओवर में 17 रन लगभग चाहिए था जो टारगेट चेज ना कर सकी। रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल के कोच लगातार हमें पूरे मैच में नजर आए। यान के बल्ले को इस वक्त खून लग चुका है, अब वो रुकने वाला नहीं है। और यूसुफ पठान ने उसके हवाले से जो प्रेडिक्शन किया कि आने वाले दो सालों में रियान का जलवा जो है आपको। दिल्ली कैपिटल तो हार गई, हारने वालों के लिए क्या बात करना, अब हारे हुए लोगों के ऊपर बात करना तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब राजस्थान रॉयल की बात करें, जिस तरह संजू सैमसन दूसरा लगातार मैच जीत चुके हैं और अपनी कैप्टनसी को प्रूव करता आ रहा है, तो बड़ी बात है। संजू सैमसन की अगर बात करें तो जब भी लास्ट में आईपीएल की बात करें तो हमेशा से परफॉर्म करता हुआ है, आज भी उसने परफॉर्म किया, अपनी कैप्टनसी को प्रूव करके दिखाया, तो बड़ी अच्छी बात है। और एक बड़ा उभरता हुआ सितारा जो है वो इंडिया को मिलता जा रहा है, रियान पराग, जिसके बारे में तो यूसुफ पठान भी कह रहे थे कि यार ये दो साल के अंदर अंदर इंडिया की जो है वो क्रिकेट खेलेगा। और जिस तरह आज उसने परफॉर्म किया है, हालांकि एक दफा राजस्थान रॉयल जो है वो काफी नीचे जा चुकी थी, लेकिन वहां से कमबैक करवाया अपनी टीम को और 180 का प्लस का टारगेट दिलवाया और एक एक ओवर में 20-25 स्कोर मारने वाला प्लेयर इंडिया को मिल गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इंडिया के पास ऐसा टैलेंट आ कहां से जाता है, पता तो हमें है आता कि दरअसल जाहिर बात है पैसा लगाते हैं, फिर आईपीएल से निकालते हैं, फिर कोचेज उनके पास ऐसे हैं, ओवरऑल उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनका सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रियान पराग जो है मुझे लगता है जैसवी जायसवाल से भी बड़ा प्लेयर निकलता जा रहा है, धौरव से भी बड़ा प्लेयर निकलता जा रहा है, मतलब कि आप एक प्लेयर से बात करेंगे दूसरे प्लेयर की बात करेंगे तो आपसे पहले से बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इंडिया के पास टैलेंट पर टैलेंट निकल रहा है, तो बड़ी बात है, अप्रिसिएशन बनती है। रियान पराग का नाम तो आपने सुना होगा, इससे पहले हम जो अक्सर मीम्स में जो है वो रियान पराग का नाम देखा करते थे क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज रियान पराग ने अपनी एक अलग जो है पहचान बना ली है। और आज के बाद शायद कोई इस बंदे को ट्रोल नहीं करेगा, जिस लेवल की इसने बैटिंग किया ना, तोबा 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 तोबा। नॉर्चे को जो है वो एक ही ओवर में जो 25 रन लगा दिए भाई, और आखिरी 5 ओवर में सनराइजर हैदराबाद ने 92 रन बनाए, और बनाए किसने, रेहान पराग ने। बड़े बड़े 30 मारहान आउट हो गए, हमने सोचा शायद 150 भी बड़ी मुश्किल से बन पाएगा, लेकिन वहां पर रेहान पराग नाम का एक एटम बम जो चलता है भाई, और वो सब कुछ जो है वो दिल्ली कैपिटल्स का बहा के ले गया। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा, ओए होए होए, 45 बाले 84 रन 7 चौके 6 छक्के 186 का स्ट्राइक रेट, ओए होए। नोर्जा जैसे बॉलर को जो है वो आखिरी ओवर में 25 रन लगा देना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। Unbelievable जो है बैटिंग की है रेहान पराग ने भाई साहब। वो कौन सी माया है जो रेहान पराग जैसा बेटा पैदा करती है? आखिरी ओवर तो पूछो ही ना, उसने चौका मारा, फिर चौका मारा, फिर चक्का मारा, फिर चौका मारा, फिर सिंगल ले ली। Unbelievably perform, डूब मरो बाकी सारे। जनाब रियान के बल्ले को खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया कि रियान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाएगा। ऐसे हीरे इंडिया ने कहां छुपा के रखे। कल तक हम लोग कोहली की परफॉर्मेंस 77 पे बड़ा खुश हो रहे थे, आज हमें पराग ने बताया कि भाई इंडियन यंगस्टर्स जो है वो किसी से कम नहीं है, हम भी 48-44 बॉलों के ऊपर 84 का स्कोर, 84 का स्कोर सेट कर सकते हैं, ये सिर्फ 22 साल की उम्र में कर सकते हैं और वो इंडियन यंगस्टर्स ही कर सकते हैं। मुझे इतने बेहतरीन यंग प्लेयर्स इंडिया के अलावा कहीं से निकलते नजर नहीं आ रहे। यार पराग ने जिस तरह बैटिंग किया ना आखिरी ओवर के अंदर आके देखे, मतलब नोकिया को उसने 2 छक्के 3 चौके, मतलब उसकी बैंड बजा के रख दी। इंडिया मैच फिनिशर ही पैदा कर रहा है, एक विराट कोहली मैच फिनिशर है, पराग मैच फिनिशर आ गए। आप देखे वो ओपनर भी पैदा कर रहा है, वो कप्तान भी पैदा कर रहा है, मतलब हर लिहाज से सही। 185 तक लेके जाएंगे ये, फिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बैटिंग की होगी और प्लानिंग शायद थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि अच्छी फाइट की।